नमस्कार, आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरें। मौसम समाचार। उत्तराखंड के इन जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी, ऑरेंज अलर्ट जारी। उत्तराखंड में मौसम के मिजाज में बदलाव हो रहा है। मौसम विभाग की माने तो आज प्रदेश के कई हिस्सों में गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है, जबकि ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी हो सकती है। साथ ही ओलावृष्टि की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के मुताबिक आज प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। आज पहाड़ी इलाकों में गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि 3200 मीटर से ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है। वहीं उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल और देहरादून जिलों में कहीं कहीं ओलावृष्टि हो सकती है, बिजली भी गिर सकती है। मैदानी इलाकों में कहीं कहीं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती है। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। उत्तराखंड में ये है आज डीजल पेट्रोल के दाम। देहरादून की बात करें तो कल पेट्रोल के दाम थे 89.32 रुपए, वहीं आज के दाम है 89.40 रुपए। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 81.43 रुपए, वहीं आज के दाम है 81.52 रुपए। हरिद्वार की बात करें तो कल पेट्रोल के दाम थे 88.76 रुपए, वहीं आज के दाम है 88.76 रुपए। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 80.83 रुपए, यही आज के भी हैं। हल्द्वानी की बात करें तो कल पेट्रोल के दाम थे 88.86 रुपए, यही आज के भी हैं। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 80.96 रुपए, यही आज के भी हैं। उत्तराखंड में मंगलवार को मिले 791 नए संक्रमित, 7 मरीजों की मौत। उत्तराखंड में एक बार फिर से कोरोना की लहर देखने को मिल रही है। मंगलवार की बात करें तो 791 नए कोरोना पॉजिटिव मिले, जिसके बाद प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 103,602 पहुंच गई है, जबकि कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1736 पहुंच गया है। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की बैठक। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सेफ हाउस से सुबह 10:30 बजे सचिवालय पहुंचेंगे, जहां मुख्यमंत्री दिन भर कार्य पूरा करेंगे। शाम 4 बजे सीएम शिक्षा विभाग की बैठक लेंगे। कोटद्वार में रहेंगे मंत्री हरक सिंह। वन मंत्री हरक सिंह रावत कोटद्वार में रहेंगे। वन विकास निगम द्वारा कोरोना काल में सराहनीय कार्य करने वालों को दिए जाने वाले सम्मान कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ ही भारतीय जनता युवा मोर्चा के सैनिक सम्मान कार्यक्रम में भी प्रतिभाग करेंगे। बड़कोट रहेंगे कौशिक। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक गढ़वाल दौरे पर हैं, वो आज बड़कोट दौरे पर रहेंगे। बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे। बंगाल दौरे पर महाराज। बंगाल दौरे पर रहेंगे कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, चुनाव संबंधित रैलियों को करेंगे संबोधित। चारधाम परियोजनाओं की समीक्षा बैठक। मुख्य सचिव ओम प्रकाश शाम 4 बजे चारधाम परियोजना की समीक्षा बैठक करेंगे। आगामी चारधाम यात्रा को लेकर अधिकारियों से जानकारी लेंगे और कार्यों की समीक्षा करेंगे। महिला साधु बनेंगी नागा सन्यासी। महिला साधु बनेंगी नागा सन्यासी। श्री पंच दशनाम जूना खाड़े में करीब 200 महिला साधुओं को नागा सन्यासी बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। इस दौरान नागा सन्यासी बनने की सभी प्रक्रियाओं का पालन कराया जाएगा। प्रक्रिया बिड़ला घाट पर शुरू होगी। कुंभ पुलिस की अनोखी जागरूकता। सुबह 10:30 बजे उत्तराखंड पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान सामूहिक रूप से 2 गज दूरी का पालन करते हुए गौरीशंकर क्षेत्र में एक बड़े मास्क का प्रारूप बनाते हुए कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को कोरोना संक्रमण से बचाव का संदेश देंगे। इस आयोजन में पुलिस महानिरीक्षक कुंभ संजय कुंजाल, ASP जन्मे खंडूड़ी समेत सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहेंगे। इस आयोजन को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराने का प्रयास होगा। देव डोलियों को लेकर बैठक। सुबह 11 बजे विधानसभा में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में देव डोलियों को लेकर बैठक होगी, जिसमें व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की जाएगी। पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर भी मौजूद रहेंगे। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री संग बैठक। देश में एकाएक बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद करेंगे और महामारी की ताजा स्थिति की समीक्षा करेंगे। टिम्बर स्टैंड महादेव की यात्रा। बाबा अमरनाथ की तर्ज पर देश दुनिया के तीर्थयात्री अब उत्तराखंड के सीमांत जनपद चमोली की नीति घाटी में स्थित टिम्बर स्टैंड महादेव की यात्रा भी कर सकेंगे। आज से टिम्बर स्टैंड महादेव की यात्रा शुरू होगी। तीर्थयात्री व पर्यटक नीति घाटी में बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए सड़क से 1.5 किलोमीटर चढ़ाई चढ़नी होगी। PM करेंगे परीक्षा पर चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ परीक्षा पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी हर साल एग्जाम देने जा रहे बच्चों से सीधे मुखातिब होते हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन वर्चुअल मोड में शाम 7 बजे किया जाएगा। मौद्रिक नीति की समीक्षा। कोरोना महामारी की नई लहर के बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक के बाद आज RBI की मौद्रिक नीति की समीक्षा जारी होगी। चालू वित्त वर्ष में ये मौद्रिक नीति समिति की पहली समीक्षा बैठक होगी। सीएम तीरथ का फिर से फिसली जुबान, अब बोले बनारस में भी होता है महाकुंभ।
मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत मंच पर पहुंचने के बाद जब भी माइक थामते हैं कुछ ना कुछ ऐसा बोल ही देते हैं जो सुर्खियां बन जाती हैं। इस बार उन्होंने बनारस में भी महाकुंभ होने की बात कही है। पीएम मोदी आज शाम 7 बजे छात्रों से करेंगे परीक्षा पर चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अप्रैल को शाम 7 बजे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दुनिया भर के छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से संवाद करेंगे। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि एक नया प्रारूप, विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला पर कई दिलचस्प प्रश्न और हमारे बहादुर योद्धाओं, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ एक यादगार चर्चा। 7 अप्रैल को शाम 7 बजे देखिए परीक्षा पे चर्चा। पहले डरा धमका कर किशोरी से की दोस्ती, फिर किया दुष्कर्म, भेजा गया जेल। काठगोदाम थाना क्षेत्र की रहने वाली एक किशोरी ने हल्द्वानी के राजपुरा के रहने वाले एक युवक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया है। पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्यवाही की है। पूर्णागिरी आ रहे हैं तो मास्क है जरूरी, रास्ते भी हो रहे सैनिटाइज। माता पूर्णागिरी धाम में मेला 1 अप्रैल से विधिवत शुरू हो चुका है। कोरोना की दूसरी लहर में कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए मेला प्रबंधन सतर्क दिखाई दे रहा है। माता पूर्णागिरी मंदिर परिसर के आने जाने वाले रास्ते पर प्रशासन लगातार सैनिटाइजेशन करवा रहा है, साथ ही मास्क भी अनिवार्य किया गया है। कोरोना, दून स्कूल के 7 बच्चे और 5 शिक्षक पाए गए कोरोना पॉजिटिव। उत्तराखंड में कोरोना का कहर एक बार फिर से तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में देहरादून के दून स्कूल के 7 बच्चे और 5 शिक्षक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना का संक्रमण और ज्यादा न फैले इसके लिए स्कूल प्रशासन कोरोना पॉजिटिव पाए गए बच्चों और शिक्षकों के संपर्क में आए लोगों की ट्रेसिंग कर रहा है, साथ ही उन्हें क्वारंटाइन करने का काम भी शुरू कर दिया गया है। सुशीला तिवारी अस्पताल में कोविड मरीज की मौत, फिर बढ़ने लगे आंकड़े। प्रदेश में कोरोना संक्रमण फिर से बढ़ने लगा है, ये देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। वहीं हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में कोविड 19 के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने अपनी व्यवस्था पूरी कर ली है। बागेश्वर जिला अस्पताल के CMS हुए कोरोना संक्रमित। जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्साध्यक्ष डॉक्टर सत्यप्रकाश त्रिपाठी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सोमवार को उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। संज्ञान में आया है कि उन्होंने कोरोना का टीका नहीं लगवाया है। दूसरी ओर जिले में कोरोना संक्रमण के 8 नए मामले सामने आए हैं। NEP 2020 लागू करने की तैयारियां तेज, जानिए खास बातें। केंद्रीय कैबिनेट की ओर से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी जा चुकी है। इसने नई शिक्षा नीति में स्कूल शिक्षा को लेकर उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं। ऐसे में देश के साथ ही प्रदेश के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए तैयारियां जोरों पर है। कपड़े के शोरूम में वेल्डिंग करते समय लगी आग, टला बड़ा हादसा। मुखानी चौराहे के पास स्थित वीमार्ट शोरूम में आग लग गई। इस दौरान शोरूम में मौजूद कारोबारियों में हड़कंप मच गया। सूचना पाकर पहुंची दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। STF ने पकड़ी 6.5 किलो चरस, महाकुंभ में खपाने की थी तैयारी। उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स और एंटी ड्रग टास्क टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए हरिद्वार क्षेत्र के भूपतवाला में एक चरस तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 6.5 किलो अवैध चरस बरामद की है। पुलिस की जानकारी के मुताबिक गिरफ्त में आए 32 वर्षीय तस्कर मान सिंह मूल रूप से बागेश्वर जिले के ग्राम बोर बलड़ा थाना कपकोट इलाके का रहने वाला है। CS के खिलाफ अखाड़ा परिषद ने खोला मोर्चा, पूजा में शामिल होने पर जताई आपत्ति। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने गंगा पूजन में मुख्य सचिव ओम प्रकाश की मौजूदगी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मेले का माहौल चीफ सेक्रेटरी खराब करना चाहते हैं। उनका आज पूजन में आने का कोई औचित्य नहीं था, इसके बावजूद भी वह हरिद्वार मुख्यमंत्री के साथ आए। हल्द्वानी में मजदूर ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। मुखानी क्षेत्र में रहने वाले एक मजदूर ने मंगलवार देर शाम फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। वहीं मजदूर की मौत से उसके परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि मूल रूप से ग्राम पिपरिया थाना गजरौला पीलीभीत निवासी मजदूर राम अवतार मुखानी के भगवानपुर बिशला में परिवार सहित किराए में रहकर खेत में मजदूरी करता था। मंगलवार की देर शाम अवतार ने अपने आवास से टिन शेड में गमछे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि मजदूर कई दिनों से परेशान चल रहा था। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नारसन बॉर्डर पर बड़ी चौकसी, यात्रियों को दिखानी होगी नेगेटिव रिपोर्ट। प्रदेश में कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, इसको देखते हुए हरिद्वार में चल रहे महाकुंभ मेले में के मद्देनजर नारसन बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। आला अधिकारियों के निरीक्षण के बाद कर्मचारी पूरी सतर्कता के साथ ड्यूटी कर रहे हैं। वहीं दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट देखी जा रही है। सुशीला तिवारी अस्पताल में कोविड मरीज की मौत, फिर बढ़ने लगे आंकड़े।
कोरोना संक्रमण और मरीजों की मौत के मामले एक बार फिर से तेजी से बढ़ने लगे हैं। सुशीला तिवारी अस्पताल में 25 संक्रमित मरीजों का इलाज चल रहा है, इनमें से 6 की हालत गंभीर बनी हुई है। मंगलवार देर शाम नैनीताल निवासी 58 वर्षीय एक मरीज की सुशीला तिवारी अस्पताल में मौत इलाज के दौरान मौत हो गई। यूथ इंटक के प्रदेश अध्यक्ष बने संग्राम सिंह, NSUI के रह चुके अध्यक्ष। उत्तराखंड युद्ध इंटक का अध्यक्ष संग्राम सिंह पुंडीर को बनाया गया। संग्राम सिंह पुंडीर NSUI के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। तमंचे की नोक पर महिला से छीनी थी चेन, मिली 7 साल की कैद। काशीपुर में तमंचे की नोक पर महिला से चेन छीनने वाले दो आरोपियों को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ओम कुमार की अदालत ने 7 साल की सजा सुनाई है। बाला सुंदरी मंदिर में 13 अप्रैल से चैती मेला, 73 लाख में उठा टेंडर। काशीपुर में आगामी 13 अप्रैल से शुरू होने वाले प्रसिद्ध मां बाला सुंदरी चैती देवी चैती मेले की निविदाएं संयुक्त मजिस्ट्रेट कार्यालय में खोली गई। इसमें तय बाजारी के ठेके की सर्वाधिक बोली PV के ने लगाई, जबकि दुकानों की सर्वाधिक बोली 73 लाख में UP के संजीव ट्रेडिंग के नाम से छूटी। संयुक्त उपचुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस ने रवाना किए 2 LED TV वाले रथ। 11 अप्रैल से घूमे ताजमहल, ये रहा रामनगर आगरा पूजा स्पेशल ट्रेन का शेड्यूल। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है, आगामी 11 अप्रैल से रामनगर से आगरा फोर्ट के लिए 3 साप्ताहिक विशेष पूजा स्पेशल ट्रेन का संचालन होने जा रहा है, जो आगामी 30 जून तक चलेगी। इस गाड़ी में सभी कोच आरक्षित श्रेणी के होंगे। साथ ही यात्रा करने वाले इन सभी यात्रियों को COVID-19 के मानकों का पालन करना होगा। रेलवे प्रशासन की ओर से यात्रियों की सुविधा के लिए रामनगर आगरा फोर्ट रामनगर 3 साप्ताहिक विशेष ट्रेन 05056 05055 का संचालन किया जा रहा है। इसका संचालन 11 अप्रैल से 23 जून 2021 के बीच होगा। ऐसे में रामनगर से आगरा और आगरा से रामनगर आने जाने वाले लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी। इस ट्रेन की संरचना में SLRD के 2 साधारण द्वितीय श्रेणी के 6 शयन यान श्रेणी के 6 वातानुकूलित तृतीय श्रेणी का 1 और वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी के 1 कोचों समेत कुल 16 कोच लगाए गए हैं। चमोली में लालची पिता ने कर दी नाबालिग की शादी, शिक्षक ने किया खुलासा। जिले के पोखरी तहसील की ग्राम सभा खन्नी के अंतर्गत एक नाबालिग लड़की को बेचने और उसके साथ दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। ग्राम सभा के अनुसूचित जाति बस्ती बनखुरी की 14 वर्षीय बालिका राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हरिशंकर में कक्षा 8वीं की छात्रा है। कोरोना की बंदी के बाद जब विद्यालय खुला तो छात्रा विद्यालय नहीं आई, जिसके बाद शिक्षक उपेंद्र सती ने छात्रा को ढूंढना शुरू कर दिया। इस दौरान पता चला कि पिता ने कुछ रुपयों के लालच में एक 25 वर्षीय युवक के साथ छात्रा की शादी कर दी। कुछ दिन बाद तथाकथित पति ने बालिका की पिटाई शुरू कर दी। शिक्षक ने पता किया तो वह अपने मायके में मिली। शिक्षक सती ने उसे स्कूल आने और उसकी पढ़ाई आगे जारी रखने का खर्चा उठाने की जिम्मेदारी ली तो डेरी सहमी बालिका बड़ी मुश्किल से तैयार हुई। वहीं शिक्षक उपेंद्र सती ने मामले को लेकर एक वीडियो संदेश जारी किया है, जिसमें शिक्षक सती ने बताया कि इस तरह अबोध बच्चियों को बेचने और दुराचार के मामले बड़ी संख्या में चल रहे हैं। वहीं समाज के कुछ दुश्मनों ने इसे व्यवसाय बना लिया है।